वेलकम बैक द गाइस, जो हमारा एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट मोबाइल लाइट के गेम प्ले वीडियो में। सॉरी यार, मतलब इतने दिन कुछ अपलोड नहीं कर पाया था, वो दिक्कत हो गई थी, वो बहन का भी वो बच्चा हुआ है तो उसके चक्कर में बिजी था थोड़ा। बट अब कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हारा भाई रोज वीडियो अपलोड करेगा। बस आप लोग यार सपोर्ट वगैरह नहीं देते हो, थोड़ा सा भाई को सपोर्ट तो करो। फिर देखो यार, आपकी इंटरनेट का कितना ख्याल रखता है, भले ही अपने से पता है यार तुम्हें, यार भाई से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई एकदम कोशिश पे जुटा हुआ रहता है कि आप लोगों को पूरा मतलब मज़े वगैरह मिले, कि फुल इंटरटेनमेंट मिले। तो फिर देखो, तो फिर हम लोग जा रहे हैं, मैं और हमारा भाई से मतलब वो चल रहा है कि किसका रैंक मतलब वो पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे। तो फिर तब से यार हम लोग अपना वो नहीं कर रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं। कौन तुम गाड़ी चल लो, चिकन डिनर हो या फिर टॉप टू में रहें, तो उसी के हिसाब से फिर यहाँ हम पायलट प्ला जाओगे, क्योंकि यहाँ यार प्लेयर मिलती है। तो पता है यार प्लेयर से भी AW मिलती है, और AW मतलब विनिंग परसेंटेज 60% बढ़ा देती है। तो फिर हमारे भाई आके गाड़ी जैसे तैसे रोकते हैं, फिर हम गाड़ी लेके भागते हैं। फिर हमारे भाई बोलते हैं यार जब तक तुम गाड़ी लेके भागेगा तब तक हम लोग आधी लूट चुके होंगे। जो हमारे मतलब ओडिशा के लड़के हों, मतलब जो भी होगा मेरे दोस्त ओडिशा के, तो उनको तो एकदम पूरी समझ आ जाएगी जो कमेंट्री में, जो मतलब गेम में जो मज़ा हमने लिया जो खेले वगैरह। फिर यहाँ ड्रॉप यार गिरा हुआ रहता है ऐसी जगह में, मतलब पानी के बीच में, और हमारे भाई के देख एनिमी पानी रहने में की गनों की यार, मतलब महंगी गनों की। हाँ लालच सच मतलब होती है, लेकिन इतना नहीं यार, मतलब आधी समुंदर तक तैर जाए। फिर हमने भी भाई को एकदम तगड़ा डैमेज दिया हूँ, मतलब जैसे कि हमने 75% भाई की तो खा गई होगी हेल्थ वगैरह। देखो सही, ये हम अपने भाई देखो भाई को दिखा रहे हैं, तो भाई हमारे कारना से टुकड़े हुए रहते हैं, बोलते हैं यार जब मैं थोड़ा मतलब भाई को भी यार मारो पच रहे हैं, तो फिर इज्जत तो रखनी है, तो फिर मैं गोली वगैरह नहीं चलाता। सोड़ा गुड़ा कितने समय तुम्हें बाहर रहो, कुआड़े जीव हमें भी देखे उठे यार। ये देखो मज़ा भले ही ना यार, कमेंट ही सुनो तुम्हारे भाई मज़ा तो आई। तो शायद हमने जिस बंदे को डैमेज में दे रखा होता है ये वही बंदा होता है, दो ही गोली लगती है मेरे हिसाब से, दो ही होगी। की लामर मिल रहा जाता तो आप ही कमेंट कर दो। मतलब अभी UMP और M4 दोनों मतलब कंपटीशन में चल रहे हैं, मतलब बता पाना मुश्किल है कि किसका स्प्रे अच्छा है किसका डैमेज अच्छा है। तो एक भाई शायद जो दो बंदे गए थे उनका टीममेट यहाँ पेड़ पे छुपा हुआ है। चलो चलो पेड़ के पीछे और इसे मारने के बाद भाई मेरा डायलॉग सुन लो। सो अपने बाप को मारना है ये जान ही नहीं हुआ था लिप भाई मुंह सुन भाई, मतलब कोई बोल रहा था जो हमारे ओडिशा ओडिशा के आओ जाना अच्छी मेरे दोस्त देख रहे हैं ना ना आओ जाना नहीं पूरा आएगा। और उसी के चक्कर में हमारे एक भाई भी ड्रॉप लूट ना रहा थे, तो फिर बॉर्ड भाई भी आ जाते हैं तो हम बॉर्ड भाई की पेटी भी बना देते। एक आधी यार केडी थोड़ी सी तो बढ़ेगी, ऐसे भी यार केडी वेडी पता नहीं हमारी कहाँ जा रखी है भाई। UMP ना हमारे साथ पूरा, पर आपको तो पता ही है PUBG वाले हमारे साथ ही गलत से नमाजा करते रहते हैं। और भाई यार कुछ अगर नोटिस किया है ना अब तक बताओ चलो अब से नोटिस करो, फिर मतलब हम चारों में क्या वो मतलब वो है नोटिस करो फिर बताओ। चारों में क्या ये है, अरे UMP तो गोली मार दरकार जोन। देखो यार हमेशा काम बना हुआ रहता है, तो अभी
जब से ये नया जो हम बना ना, मतलब सॉरी नया अपडेट आया है, तो यार ड्रोन भी यार अतरंगी जगहों पे बन रहा होता है यार, कभी कहाँ कभी कहाँ। और अभी वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ रहता है तो फिर वहाँ गोली वोली चल रही होती तो गाड़ी चढ़ती नहीं यार। थोड़ी बहुत मतलब वो देखा था, मतलब सुना था कि उल्टा करके भाई गाड़ी चढ़ाओगे ना तो राजेश भाई भाई प्रो एकदम सीधा पहाड़ के ऊपर एकदम एक स्क्वाड बैठा सत कथा कौन कहलो बैक करके गाड़ी ऊपर को उठी जाउ छी दूर रहते हैं तो हम भाई को बुलाते हैं यार आ जाओ बोल के, तो भाई बोलते हैं रुक रुक साइड मत लेना यार तुम्हारे भाई से कहां पर आ जाता है, मतलब गलती मेरी नहीं तो फाइट लेने वो आ गए और हमने यूपी 9 पकड़ा। देखो यार भाई के पास शायद M4 है, M4 वर्सेस UMP, अब बताओ भाई कौन सा अच्छा है। तो फिर नॉकआउट किया भाई को और हमारे पास व्हील के यहाँ पे कुछ था, पास बैंडेज छोड़ाओ कुछ नहीं, ना दीपो को जल्दी बैंडेज बहुत रहे। तब तक हमारे भाई के लोग सब आके निपटा दिए, तो मैं बोलता हूँ यार कुछ है नहीं बैंडेज, मतलब कुछ भी तो बैंडेज मैं लपेटता हूँ तब तक तुम निपटा दो, तो हमारे भाई ने भी निपटा दिया। क्या समझो भाई इतना दिन मतलब खेला, सोलो में भी बहुत खेला यार, जीता हारा तो वो बात नहीं है, बात तो वो है बस जब से स्क्वाड में खेला हूँ ना भाई सोलो खेलना ही बंद कर दिया। और ये वाली वीडियो पे यार मैं कुछ ज़्यादा एडिट नहीं किया इसीलिए कि हम लोग बहुत मस्ती किए वीडियो में, तो गेम में आप भी देखो यार तो फिर तुम्हारे भाई को कार्नेटेड मिल जाती है, लेकिन यार इस मैच में उतना नहीं हो पाता मुझे, मतलब गलत भाई मतलब हाई ग्राउंड में रहते हैं, मतलब हाई ग्राउंड में रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं लेकिन स्नाइपिंग नहीं हो पाता है, उतना चांस नहीं मिलता है स्नाइपिंग का, क्योंकि आप अगर स्नाइपिंग करने रहोगे तब तक हमारे भाई सब M4 वगैरह पकड़े हुए हैं। अरे मोह पाकर किले गए तो वीडियो थोड़ी कर अच्छी बनेगी, तो यार गर्मी इतना हो रहा है ना, मतलब हालत खराब। अभी तो फिलहाल के लिए तुम्हारा भाई हैदराबाद में, और हैदराबाद की भाई गर्मी लोग यहाँ बोलते हैं बारिश नहीं होती, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती, कैसे होता है मतलब लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। ये देखो भाई दौड़ी क्या क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यार हम डायनामो भाई की तरह तो है नहीं, मतलब भागते वक्त तो इसीलिए आपने कार्नेटेड भाई देखो तुम साइड में जब जब फिर अपने ड्रॉप रहे बढ़िया भाई, चार पांच गोली पहले एकदम मस्त है। हाई ग्राउंड में रहने का भाई एक और फायदा ये है क्योंकि भाई जितना गोली तुम पहलोगे ना मतलब सारे हेड पे ही लगेंगे, अगर लगे बॉडी पे उसके तो हेड पे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि पता यार तुम टॉप पे हो तो वो दिख रहा है मतलब हेड पे, और हेड पे भाई दो तीन गोली पड़ी तो आपको पता है मतलब ख़त्म कहानी। M4 की तीन गोली उड़ ली भाई ख़त्म, मतलब नॉक वगैरह हो जाएगा बंदा। तो फिर मैं बस इस मैच में नॉक कर रहा हूँ, हमारे भाई पेटियाँ बना रहे, कोई बात नहीं भाई किल तो मिल रही है हमें और क्या चाहिए, ज़िंदगी सफल हो जाएगी, केडी तो हमारी बढ़ेगी, तो फिर चल रहा है आपने जैसे तैसे। फिर यार देखो सीन यहाँ पता नहीं कौन से भाई हमें मतलब इसे बहुत डैमेज दिए थे, मेरी तो शायद तीन ही गोली लगी होगी, तो यार दो ही तीन लगी तो भाई नॉक वगैरह हो गए, तब तक हमारे भाई को उसकी पेटी बना दिए। और यहाँ समोक में हम बंदे ढूंढने की कोशिश, लेकिन तो कुछ मिलता नहीं है, और दो बंदे जिंदा हुआ रहते हैं तो भाई ये दो बंदे ना बंदों ने हालत खराब कर दी, कभी तो यार डर लगता है क्योंकि यार आजकल सब प्रो जैसे खेलते हैं, एक बंदा एक स्क्वाड को उड़ा देता है बाकी वो तो दो बंदे हैं पता नहीं कहाँ होंगे। तो हमारे पास एक ये फ़ायदा था कि टॉप ग्राउंड में, और नहीं हमें चाहिए मेरी माइंड में ये चल रही थी कि सागम के पास गाड़ी वाड़ी हो तो भाई यार गाड़ी वाड़ी लेके आए फिर हमारी पेटी वेटी बना दे, तो फिर हम तभी हमारे भाई बोलते हैं कि यार चलो रेस्ट करते हैं,
जोनटा उठी आस उठी आस ना ना सी उपर को ठीक आसबे नि कि नेट वगैरह पूरा चल रहा होता है वो नीचे से नेट वगैरह रहे वो भाई है मतलब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाते तो मैं तो सो जाता यार मतलब दो किल बेकार जाएगी तो हम भी यार पेटी वोटी बना देते लेकिन भाई कैसे नीचे कूदने के लिए उतरेंगे तो ऐसे भी नोक फिर हमारी पेटी बनेगी अच्छा खासा वीडियो बन गई फालतू बना तो फिर इतने देर तक वहाँ मतलब नीचे जो दो भाई होते हैं फिलिंग विलिंग चलते रहते हैं बाकी जब फिलिंग खत्म होता है फिर उतनी थी उतनी ही अंदर मतलब हमारे भाई बोल जाते हैं फिर उनका हिलिंग खत्म आ जाता है साथ में तुम्हारे भाई का हिलिंग अरे भाई बताओ कॉमन क्या दिखा अब इसमें तुम मतलब ध्यान नहीं दिए हर कोई मतलब ब्लू ही है पहना ब्लू क्वाड में खेल रहे हैं पता चले वीडियो ही खत्म हुआ थोड़ा बहुत वीडियो माइंड थोड़ा सा अपसेट है तो कुछ अगर उल्टा पलटा हो मतलब कुछ मिस्टेक हो गया हो तो भाई यार माफ़ कर देना कभी यार घर से घर में रहो यार लोग मतलब अदर कंट्री में कितने लोग रहते हैं फिक्र करो हम इंडिया में हमारे लोग गाँव में तो यार बाय यार मिलते हैं अगले वीडियो में आमा भाई सावधान रहें सतर्क रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग।